हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का एक्सपर्ट सॉल्यूशन क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो क्लास है, आज से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है। आज की जो क्लास है आपका, ये है आपका मापन। ठीक है, तो मापन जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में एक या दो सवाल आपको देखने को मिलता है। मापन में एक सवाल आपका जो बनता है, ये होता है सार्थक, सार्थक अंक बहुत आसान है। एक आपका पूछता है कोटिमान, चूंकि पहले ये सब सवाल आते थे बट आज के डेट में नहीं आते। ठीक है, लेकिन आजकल जो है, इसके अलावा विमीय सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल यहाँ से जरूर आता है। ठीक है, काफी आसान सा चैप्टर है। यहाँ से एक सवाल हम लोग आज क्या करेंगे, पक्का करते हैं। एक हो गया कोटिमान, दूसरा है विमीय सूत्र, इसके अलावा त्रुटि। ठीक है, ये आपका त्रुटि जो है, एक टॉपिक ये भी होता है, ये आपको हम लोग क्या करेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों चीजों को कंप्लीट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मापन में। तो मापन के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक आता है, ये आपका होता है मूल राशियां। ठीक है, मापन के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक आता है, ये आपकी होती है मूल राशियां। मूल राशियां क्या क्या होती हैं, बच्चों बहुत ध्यान से देखना। मूल राशियां क्या होती हैं, जैसे लंबाई, लंबाई आपको नापना है। ठीक है, समय आपको नापना है। तो लंबाई को आप किस में नापते हैं? ठीक है, हम लोग लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में, जनरली मीटर में नापते हैं। समय को किस में नापते हैं, सेकेंड में, मिनट में, या घंटा में, किस में नापेंगे, घंटा में। इनको, किसी चीज को नापने के लिए, ठीक है, एक मात्रक चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, मात्रक। उसी मात्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मूल राशियां, क्या बोलते हैं, मूल राशियां। ठीक है, या ऐसे कह लो कि मूल मात्रक बोलते हैं। जैसे ये लंबाई, समय हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है, लंबाई मतलब दूरी हो गई ना, दूरी को नापना है, तो ये आपका मूल राशियां है। ठीक है, और जो मूल मात्रक है, इसका क्या है, मीटर है। समय को किस में नापते हैं, घंटा में नापते हैं। इस प्रकार से यदि आपके पास कोई कोण हो, इसके अलावा ये कोई कोण हो, तो कोण को किस में नापते हैं, हम लोग डिग्री में नापते हैं। ठीक है, डिग्री में नापते हैं, इसके अलावा रेडियन में नापते हैं, कई चीजों में ऐसे नाप सकते हैं। तापमान, तापमान को किस में नापते हैं, ठीक है, तापमान को नापते हैं अंश सेंटीग्रेड में। ठीक है, या केल्विन में, या फारेनहाइट में नापते हैं। ठीक है, आता है ना जो थर्मामीटर, जिससे हम लोग बुखार नापते हैं, ये क्या होता है आपका, फारेनहाइट में नापते हैं। इस प्रकार से तो जो मूल राशियां, जो आपकी मूल राशियां होती हैं, ये होती है आपका जैसे लंबाई, द्रव्यमान। द्रव्यमान, अच्छा, इधर द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान को हम लोग नापते हैं किसमें, आपका किलोग्राम में, किसमें नापते हैं, किलोग्राम में नापा जाता है। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा जो, ये तो हो गई मूल राशियां, मूल मात्रक। ठीक है, इसी से आपका आता है व्युत्पन्न। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक। देखो, आप अब ऐसा तो नहीं है कि प्रत्येक जगह जाओगे बोलोगे कि हमें लंबाई दे 1 किलो, ठीक है, 2 किलो। ठीक है, इसके अलावा हर चीजों को इतने में ही नहीं नापा जा सकता। वे राशियां, वे मात्रक जो मूल मात्रक से मिलकर बनते हैं, जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं, होते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बच्चों तो ध्यान रखना, जैसे आप क्या करते हो, आप जैसे हम लोग कहते हैं ना, चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। बहुत समय ले, ठीक है, दूरी बटे समय। बच्चों जब हम लोग दूरी की बात करते हैं, दूरी को किस में नापते हैं, लंबाई में, दूरी को, सॉरी,
दूरी को किसमें नापते हैं? मीटर में, मान लो मीटर में, मीटर किलोमीटर जिसमें नापो। समय को किसमें नापते हैं? घंटा में, ठीक है, घंटा हो गया या मिनट में नाप सकते हो। चाल का जो सूत्र होता है ये दूरी बटे समय होता है, लेकिन जो इसका मात्रक होता है ये मीटर प्रति घंटा हो गया। इसीलिए कहते हैं ना, जब आप बाइक वगैरह चलाते हो तो उसमें स्पीड यानी चाल मतलब जो होता है ना स्पीडोमीटर, उसमें लिख के आता है किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मीटर की जगह वो क्या किसमें नापता है? किलोमीटर प्रति घंटा, एक 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 घंटे में कितना किलोमीटर आप जाते हो। तो इस प्रकार से जो हो रचना होती है इसको बोलते हैं क्या? व्युत्पन्न मात्रक। लेकिन जो सिर्फ अगर मीटर या किलोमीटर की बात करें अकेला अगर रहे तो उसको बोलते हैं आपका मूल मात्रक। तो ये मूल मात्रक जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? व्युत्पन्न मात्रक बनता है बच्चों, ठीक है। अभी आप देखो लंबाई, लंबाई का मात्रक हम लोग फॉलो करते हैं एम के एस या एसआई पद्धति, ठीक है। तो लंबाई का जो मात्रक होता है, एक एक करके बता दिया जाता है, लंबाई का मात्रक देखो मीटर क्या होता है? मीटर, ठीक है। इसका मानक क्या होता है? मीटर, ठीक है। और एक द्रव्यमान हो गया, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, किलोग्राम। ये एम के एस पद्धति है, ठीक है। एम के एस और एसआई पद्धति अप्रोक्स सेम चलती है, तो हम लोग जनरली इसी में गणना करते हैं, किलोग्राम हो गया, मीटर नापते हैं, ठीक है। इसके अलावा समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। समय का मात्रक क्या हो गया? समय का मात्रक सेकेंड होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये चीजें हैं। तो हमारा मूल मात्रक लंबाई, द्रव्यमान की लंबाई को मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को किस में नापेंगे? सेकेंड में नापते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एम के एस पद्धति में मूल मात्रक जिस प्रकार से होते हैं। इसके अलावा बच्चों ये तो हो गया मूल मात्रक और मैंने आपको व्युत्पन्न मात्रक बता दी। आगे चल के कई सारे हम लोग क्या करेंगे, चीजों को सॉल्व करेंगे, जैसे कई सारे फार्मूले जो है उसका आगे जब विमीय सूत्र निकालेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहीं पे एक छोटी सी चीज आती है कोटिमान, इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए। कोटिमान क्या होता है? देखो कोटिमान क्या होता है, जब हम लोग विज्ञान की बात करते हैं, ठीक है, तो विज्ञान में या जैसे हम लोग क्या है, इंजीनियर है, आगे आप अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको आपका सिलेक्शन हो गया तो कल को आप इंजीनियर बन जाएंगे। जब आप इंजीनियर बनेंगे तो चीजों को आपको कोटिमान के जरिए ही लिखना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप सिविल इंजीनियर बन गए, तो आपसे ये कहा जाए, ठीक है, कि जैसे हाँ मान लो कि ये 1500 किलो, 1500 केजी आपके पास कंक्रीट है, तो अगर इसको कोटिमान के रूप में लिखा जाता है तो यहाँ हम लोग 1.5 × 10^1, 2, 3 तीन ऐसे तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा साइंटिफिक भाषा में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां 10^3 ही क्या होता है? आपका कोटिमान होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर। कोटिमान कभी भी निकालना हो तो एक अंक पे दशमलव लगाओ, बाकी जो घात बनती है वही क्या होती है? कोटिमान। जैसे इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन को ई से घाते माइनस लिख दिया जाता है, क्या होता है? 1.6 × 10^-19 कूलाम, ठीक है। तो यहाँ 10^-, अभी इसे लिखोगे तो अगर इसको ओपन करोगे 0019 बार तब जाके आपका 16 आएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इस तरीके से चीजों को लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें ये इसका कोटिमान होता है, ठीक है, ओके बच्चों। बच्चों जो अगला टॉपिक आता है आपका, ये होता है आपका कोण का मेजरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बहुत ज्यादा थ्योरी आपको डीपली नहीं बता पाऊंगा, रीजन क्या है कि अभी अभी आप लोग हाई स्कूल इंटर ये सब पढ़ के आ रहे हो,
तो उन चीजों पे ध्यान रखो जहां पे आपसे गलती होती है, जहां से सवाल उठता है, ठीक है। अब कोण का मापन, देखो जो कोण होता है ना, ये एमकेएस पद्धति में रेडियन में जो है नापा जाता है। किसमें नापा जाता है? रेडियन में। तो जो कोण होता है, मान लो ये आपका कोई बिंदु है ओ, यहां से ये कोई है, ठीक है, यहां पे आपको कोण मापना है, ये मान लो थीटा है, और ये जो है आपका जो त्रिज्या है ये आर है, और जो ये चाप, इसको चाप बोला जाता है ना, इसको आपने डीएस लिख लिया। क्या लिख लिया? डीएस, ठीक है, इसकी दूरी, ये डीएस बोली जाती है, चाप। तो कोण बराबर, हम सभी जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, चाप बटे क्या होती है? त्रिज्या। अर्थात डी थीटा इक्वल टू डी एस बाई आर, ये क्या होता है? डी एस बाई आर, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो होता है ये डिग्री में नहीं आता, ये रेडियन में आता है। किसमें आता है? रेडियन में। किसमें आएगा? रेडियन में। इस बात का ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल, अभी देखो, अब इस रेडियन को आपको चेंज करना है किसमें? डिग्री में। रेडियन को डिग्री में बदलना, ठीक है। सॉरी बच्चों, अब रेडियन को डिग्री में आपको बदलना है, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी आपको रेडियन को डिग्री में बदलना है तो एक चीज का मल्टीप्लाई होता है, वो होता है आपका पाई बाई 180 या 180 बाई पाई, इन दोनों में से एक का मल्टीप्लाई होता है। लड़के यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यदि आपको डिग्री दिया है, क्या दिया हो? डिग्री, अंश डिग्री दिया हो, डिग्री दिया है, तो अब उसको क्या बोलना है? रेडियन में बदलना है। तो रेडियन इक्वल टू होता है पाई बाई 180 इंटू थीटा, किसमें? डिग्री में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहीं पे एक उदाहरण दे देता हूं आपको। एग्जाम्पल के लिए यदि 60 डिग्री है, कितना? 60 अंश सेंटीग्रेड है, सॉरी डिग्री, ठीक है। आपको इसको क्या करना है? रेडियन में बदलना है। तो इसमें 60 गुणे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कट के कितना हो जाएगा? ये 3 टाइम हो जाएगा, पाई बाई 3। ध्यान रखना, जब भी आप रेडियन में जाओगे तो ऊपर पाई आएगा, ट्रिक है, ठीक है। अगर आपको रेडियन में जाना है तो ऊपर पाई आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके उत्तर में पाई आता है। अगर पाई नहीं रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। और यदि रेडियन दिया हो, ठीक है, रेडियन से डिग्री में जाना हो तो पाई बाई 180। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहां पे क्या दिया है? पाई बाई 1/3। इसको क्या करना है? डिग्री में बदलना है। डिग्री में बदलो, ठीक है, तो आपको क्या करना है? पाई बाई 3, इसमें से क्या है? पाई को हटाना है, तो हम 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका पाई पाई कट गया, 360 कितना बढ़ गया? 60 डिग्री आपका आ गया। तो ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से जो है आपका ये होता है, ठीक है। आपको रेडियन को डिग्री में बदलना है तो पाई किसका? रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बाई पाई, और अगर रेडियन डिग्री को रेडियन बदलना है तो पाई बाई 180, ठीक है। अगर आपका आंसर रेडियन में पूछ रहा है तो आप ऐसा इसका गुणा या गुणा करिए कि जो उसमें पाई आ जाए, और यदि डिग्री में बदलने का तो हमें पाई हटाना है तो पाई नीचे कर देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। कुछ चीजें और ध्यान में रखो कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई होता है। कितना होता है?
2 पाई, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। 1 मिनट बराबर, 1 मिनट, मिनट को देखो ऐसे लिखते हैं, 1 मिनट बराबर, सॉरी, तो बच्चों एक एक मिनट बराबर आपका होता है 6 डिग्री होता है ना, 6 अंश। इसके अलावा 360, जैसे क्या है कि इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये तो जो ये मैंने बताया तो घड़ी वाले चैप्टर में चला जाएगा, ये मैं आपके साथ आगे डिस्कस कर दूंगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इतनी चीजें। तो ये हो गई आपकी रेडियस कोण का मापन, ठीक है बच्चों। एक अगला टॉपिक आता है घन कोण। क्या होता है घन कोण? यदि आपको घन कोण को मेजर करना होता है तो पहले घन कोण क्या होता है ये जानो। मान लो ये कोई फुटबॉल है, क्या है? फुटबॉल। अगर आप इस फुटबॉल को सामने से देखोगे तो आपको ये एरिया भी दिखेगा, आपको ये भी दिखेगा, आपको ये भी दिखेगा, ठीक है, सॉरी, और आपको अंदर अंदर ये भी दिखेगा। तो अगर ध्यान से देखो तो ये एकदम एक गोला सा बना देता है, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो ये एक एंगल सा बनता है, ये गोला सा बनता है, ठीक है, क्योंकि आपको ये एरिया दिख रहा है। तो घन कोण बराबर होता है, ठीक है, ये जो आपके सामने एरिया है समतली कोण, ठीक है। अगर मान लो इसको आपने डी थीटा मान लिया, ठीक है, तो घन कोण डी थीटा बराबर होता है, और ये एरिया मान लो डी ए है, ठीक है, और ये जो इसकी त्रिज्या है ये आर है, तो डी ए बाई आर लिखते हैं। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जो घन कोण होता है, घन कोण को स्टे रेडियन में नापते हैं। किसमें नापते हैं? स्टे रेडियन में। इतना ध्यान रखना, इसमें बस इतना ही। बाकी यदि कोई आगे जब मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर जब करेंगे, यदि इसमें बाकी डिटेल्स में आता है तो इसमें हम लोग डिटेल्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, ये आपका आता है त्रुटि। त्रुटि देखो काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां से कम एक या दो सवाल हर परीक्षा में गिरता है। तो त्रुटि को कुल 3 या 4 टाइप से बांटा जाता है। मैं आपको बताता हूं त्रुटि कितना आसान है। देखो त्रुटि, सबसे पहले ये समझ लो त्रुटि जरूरी क्यों है, इसके बारे में कैलकुलेशन आना क्यों चाहिए। देखो जो त्रुटि होता है, ये जो आपका होता है, हर एक यंत्र की एक सामर्थ्य होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लंबाई नापते हो, तो लंबाई नापते समय थोड़ा बहुत त्रुटि हो सकती है, एक संभावना होती है ना कि हाँ इतनी त्रुटि हो सकती है। आप वोल्टेज नापोगे तो वोल्टेज में त्रुटि हो सकती है। वजन नापने जाते हो, जैसे आपको 1 केजी वजन नापना है, हम सभी लोग वजन नापते हैं, या सब्जी खरीदने जाते हैं या कुछ ना कुछ मार्केट में लेने जाते हैं, तो वहां पे 1 केजी वजन नापना है, तो कई बार क्या होता है एग्जैक्ट 1 केजी तो आप लेते नहीं हो, कुछ कम हो सकता है कुछ ज्यादा, ये त्रुटि हो सकती है। ये त्रुटि क्यों होगी? वो आपका जिस तराजू पे आप चीजों को नाप रहे हो सकता है उस तराजू में दोष हो, या जो व्यक्ति नाप रहा है ठीक है उसमें दोष हो। तो ये दो कारण होते हैं त्रुटि के, ठीक है। अब लेकिन जब हम लोग विज्ञान की भाषा में बात करते हैं तो यहाँ पे जो त्रुटियां होती हैं काफी मायने रखती हैं, क्योंकि अलग अलग चीजों में अलग अलग टाइप की त्रुटि हो सकती है। क्योंकि अभी क्या है कि आपको किलो नापना है, ये चीजें नापना है, बट जब आप किसी कंस्ट्रक्शन लाइन में जाओगे, जैसे मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियर बन गए, तो यहाँ पे त्रुटि आप नहीं कर सकते। आपको एक प्लेन बनाना है, उस प्लेन में आप त्रुटि को मेजर नहीं करोगे तो आपका प्लेन डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए त्रुटियों को हम लोग क्या करते हैं, काफी कंसीडर किया जाता है जब आप किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग में, या मान लीजिए किसी भी चीज में आप जाए, चाहे किसी फील्ड में रहे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स रहे, चाहे इलेक्ट्रिकल रहे, या एनीथिंग, आपको त्रुटियों को मेजर करना पड़ेगा। देखो इसमें सबसे पहला आता है, यदि मान लो जो कोई चीज आप मेजर कर रहे हो वहां पे जोड़ है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लंबाई मेजर कर रहे हो, ये मान लो 2 पॉइंट है ए
बी सी, ये 3 पॉइंट है। एक बार आपने यहां से यहां मेजर किया, ठीक है, उसके बाद आपने यहां से यहां तक का मेजर किया, ठीक है। हो सकता है यहां पे मान लो मेजर करते हुए 1 मीटर की त्रुटि हो गई, और यहां पे इन दोनों को मेजर करते हुए यहां पे 2 मीटर की त्रुटि हो गई, तो कुल कितनी त्रुटि हो गई? कुल आपकी 3 मीटर की त्रुटि हो सकती है, ठीक है। बस यही है बच्चों त्रुटि, ये आपको योग वाला त्रुटि मैंने बताया। यदि मान लो कोई संख्या, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल, ये तो बेसिक सा हो गया। मान लो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी बी है, ये ए है, ये बी है, इसका जो तापमान है ये 50 डिग्री है, कितना? 50 प्लस माइनस 0.5 अंश सेंटीग्रेड आपने मेजर किया। मैंने कहा कि भाई इसका तापमान नापो, तो आपने नापा, तो ये 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री आया। ये जो बगल में पॉइंट प्लस माइनस लिखा है ना, यही होती है त्रुटि। मतलब आप जब नापने जाओगे तो ये जो थर्मामीटर है आपका, ये 50.5 भी बता सकता है या 49.5 भी बता सकता है, इसी के बीच में आएगा। अब इसको आपने मेजर किया, ये मान लो 20 प्लस माइनस 0.5 इसमें मेजर किया, ठीक है, तो दोनों में अंतर है, ठीक है, थोड़ा सा त्रुटि ये कर सकता है, थोड़ा सा त्रुटि ये कर। अब सवाल कह रहा है कि दोनों के बीच का तापांतर बताओ। क्या तापांतर? तापांतर मतलब टेम्परेचर ऑफ ए माइनस टेम्परेचर ऑफ बी, चाहिए बता दो, या टेम्परेचर ऑफ बी माइनस टेम्परेचर ऑफ ए, हमेशा बड़े बड़े से घटाते हैं, तो ये वाला आपका होगा। तो बच्चों अब यहां पे देखो तापांतर में, तो आपको क्या करना है, 50 प्लस माइनस 0.5 एक तरफ, माइनस 20 प्लस माइनस 0.5 दूसरी तरफ। अभी आपने माइनस किया, तो जब माइनस ओपन करोगे इसको छोड़ो, केवल पहले तो इस 50 का 20 में घटाओ, तो यहां तो आ गया 30। अब यहां 0.5 है, 0.5, ये जो त्रुटि होती है ना इसको जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे आपको जोड़ना है। यहां देखो घटाना हो सकता है, माइनस हो सकता है, ये मत करना खोल के इसमें गुणा कर दे या घटा दे, ये मत करना। अब जो यहाँ पे आएगा ना 0.5, ये प्लस माइनस लिख के यहाँ पे 1 लिख देना, 0.5 0.5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो ये आपका 1 आ गया यहाँ पे, तो हम लोग 1 लिख देते हैं, तो प्लस माइनस 1 डिग्री। तो अब कितने की त्रुटि हो सकती है, मैक्सिमम 1 अंश सेंटीग्रेड की त्रुटि हो सकती है। यही आपसे सवाल पूछेगा कि दो बॉडी है ए बी, दोनों का तापमान ये दिया है, तो दोनों को जब तापांतर निकालिए और बताइए कितनी की त्रुटि हो गई, तो 1 डिग्री की मैक्सिमम त्रुटि हो सकती है, ठीक है बच्चों। अब त्रुटि एक बार और देखी जाती है, जैसे ये तो अगर मान लो कोई एक राशि है वहां पे गुणनफल के रूप में लिखी है, गुणा के रूप में या भाग के रूप में लिखी हो, तब कैसे निकालेंगे त्रुटि? अभी तो मैंने जोड़ वाला सवाल बता दिया, अगर भाग वाला लिखा हो, एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा प्रतिरोध, ठीक है, ओम का नियम, ये आर इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई होता है ना, हमको नहीं, ओम का नियम, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है, यहां से आपको आर निकालना है। अब सवाल ये आता है, ठीक है, देखो ये गुणा में भी है भाग में भी है, ठीक है, तो यहां पे कैसे त्रुटि निकालेंगे? तो इसमें त्रुटि निकालते समय बहुत ध्यान समझना, मैं इसमें क्या करते हैं, जो ये डेल्टा आर, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, त्रुटि निकालना है आर का, डेल्टा आर भाई आर इक्वल टू ये वी है ना, तो डेल्टा वी बाई वी प्लस, इसमें प्लस कर दिया जाता है, ध्यान रखना इसे, जो नीचे आई है डेल्टा आई बाई आई, ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। आपको ये भी अगर समझ में नहीं आता तो एक तरीके समझो, ये जो इस रूप में लिखा जाता है यही प्रतिशत त्रुटि होती है। क्या होती है? इसी को बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। आप चाहो तो इसमें 100 का गुणा कर दो, ठीक है, सॉरी इसको प्रतिशत त्रुटि नहीं, इसको सापेक्ष त्रुटि बोलते हैं, ठीक
है, सापेक्ष त्रुटि, अगर इसमें 100 का गुणा कर दोगे ना तो ये हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि हो जाती है, इसको प्रतिशत में लिख दिया जाए, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ 100 हंड्रेड हंड्रेड, तो 100 कट जाता है, इस प्रकार से ये लिखा जाता है। बच्चों ध्यान देना, मान लो सवाल ये है, ठीक है, सवाल मान लो आपका इस प्रकार से है कि जो वोल्टेज है, आपने क्या कर दिया, वोल्टेज मेजर किया, वोल्टेज आपका आया 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, ठीक है। वहीं आपने करंट मेजर किया I, ये आपका आ गया 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। देखो करंट को एम्पियर में नापते हैं, ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है कि उस फार्मूले सबसे पूछेगा इसमें कि R में प्रतिशत त्रुटि बताओ, क्या बताओ, प्रतिशत त्रुटि बताओ। तो सबसे पहले ये बताओ V में कितना त्रुटि है, 100, देखो आपको 100 नापना था आपने, पे इसमें 5 त्रुटि दिख रहा है, 100 में 5 मतलब कितना प्रतिशत, 5%, 10 में 10.2 कितना प्रतिशत, अगर आपको प्रतिशत नहीं निकालने आता 0.2 × 10 कर लो, इसमें 100 का गुणा कर दो, यही होता है प्रतिशत ना, 10 में 10.2 की त्रुटि हो रही है, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका गुणा करके 2% आपकी त्रुटि आ रही है, ठीक है। तो कुल कितनी त्रुटि हो गई, कुल त्रुटि जोड़ दो, 5 + 2 कितना आ गया आपका, 7% की त्रुटि आ गई, ठीक है। चाहे तो आप इस फार्मूले से जो उधर बताया मैंने R/R, एक त्रुटि यही हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो V, V यहाँ पे डेल्टा V लिखा है ना, डेल्टा V/V प्लस माइन प्लस आपका डेल्टा I/I, ठीक है, ये लिखा है। अगर यहाँ ध्यान से देखो तो हमें क्या करना है, V कितना दिया था, डेल्टा V 5 दिया है, कितना दिया है 5, V कितना हो गया 100 प्लस इधर कितना है 10.2 / 10, क्योंकि इसमें 100 का गुणा करता है तभी तो प्रतिशत बनेगा ना, आपको प्रतिशत में बनाना है, तो दोनों तरफ क्या करोगे 100 का गुणा, तो R/100, या अभी ये जो सवाल उत्तर आएगा ये प्रतिशत में आएगा, अभी आप लोग को आगे जब प्रतिशत पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि प्रतिशत क्या होता है। अब इसको करोगे तो ये 100 100 कट गया, ये मैंने आपको ऑलरेडी कर लिया है 2%, और यहाँ पे आ गया 5%, कुल कितना आ गया 7%, ये होता है आपका त्रुटि, ठीक है बच्चों। अगला सवाल जो टॉपिक आपका आता है इसी में, ठीक है, यदि ये तीसरे टाइप की त्रुटि है, बस ये लास्ट है, यदि आपका कोई संख्या दिया है, मान लो कोई संख्या है जेड, इसमें त्रुटि है ए, सॉरी जेड का जो फार्मूला ए स्क्वायर है, अगर इसका त्रुटि निकालोगे ना तो डेल्टा Z/Z इक्वल टू ये जो घात होता है इसका गुणा हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बार बार सवाल पूछता है, यहाँ पे आप लोग गड़बड़ हो जाते हो, ये ए कर लेते हैं, इसको देखो प्रतिशत में, इसमें 100 का गुणा कर दोगे तो प्रतिशत बन जाएगा, लेकिन 100 का गुणा दोनों तरफ करना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक उदाहरण मैं आपको सवाल में बता देता हूं, मान लो ऐसा कोई फार्मूला, एक बार मिनट ना, देखिए कोई सवाल मिल जाए, एक सवाल आसान सा सवाल कोई मिलता तो मैं बताता, चलो अच्छा मैं बना देता हूं सवाल, ठीक है। मान लो ये होता है V इक्वल टू IR, ठीक है, बच्चों एक सवाल हम लोग लेते, मान लो कोई क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल, ठीक है, मान लो अपने पास एक आयत है, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, सॉरी मान लो वर्ग है, वर्ग में आसानी होगी ना, ये आपका वर्ग है, तो अगर ये एल है ये भी एल है, तो एरिया बराबर होता है एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें अगर त्रुटि निकालना हो, मान लो एल जो होता है इसमें जो त्रुटि है आपकी, ये
मान लो आपको 100 मीटर नापना है, 100 मीटर उसमें आप त्रुटि कर देते हो 100 प्लस माइनस 2 की, ठीक है। ऐसे ही 100 प्लस माइनस 2 करोगे तो कुल कितनी त्रुटि हो जाएगी, ये देखो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। अगर आप अंदाजा देखो तो 4 आपको ऐसे दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे एल स्क्वायर तो हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा ए बाई ए, अगर आप प्रतिशत बनाना है तो इसमें 100 का गुणा कर दो, और 2 गुणे डेल्टा L बाई L त्रुटि में, तो डेल्टा L कितना है, 2 बाई 100, यहाँ पे 100 का गुणा भी होगा, गुणे 100 गुणे ये वाला 2 यहाँ पे लिख दो, और ये डेल्टा क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ऑलरेडी लिख के आ गया, तो 100 कट गया, कुल कितना आ गया, 4% की त्रुटि आएगी। कितना आएगी, 4% की त्रुटि आएगी। बस इतने ही होते हैं त्रुटि, ये आपका इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको आज कई सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया ये PDF मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप जल्दी जल्दी अपना बुक जो प्रिपरेशन करना है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आप जल्दी जल्दी अपना माइंड सेट रेडी कर लीजिए, आप फॉर्म भर लीजिए, फॉर्म का भी डेट है, लेकिन जल्दी जल्दी जो है आप क्या करिए, बुक ले लीजिए, अपनी रफ कॉपी पेन सब ले लीजिए, और लेने के बाद अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।